आज गुड़ी पड़वा से चैत्र की नवरात्रि का नौ दिवसीय पर्व देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर से शुरू होगा। पंडित दीपेश शर्मा ने बताया कि नवरात्रि पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नौ दिनों तक प्रतिदिन देवी हवन पूजन शक चंडी यज्ञ होगा और दिनांक 10 अप्रैल यज्ञ की पूर्णाहुति पर नगर वासियों के सहयोग से विशाल कन्या भोज का आयोजन होगा। वहीं नौ दिनों तक क्षेत्र की नवरात्रि में माता के दरबार में प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। ऐसी मान्यता है कि मंदिर परिसर के सामने बोरार नदी में 5 मंगलवार स्नान करने से कई असाध्य रोग साध्य हो जाते हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर में क्षेत्र की नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। हम आज पंडित दीपेश शर्मा से जानते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र की नवरात्रि पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। हाँ बताएं पंडित जी। यहाँ क्षेत्र की नवरात्रि पर प्रति वर्ष देवी पाठ हवन पूजन इत्यादि का कार्यक्रम होता है और आखिरी दिन नवमी के दिन यहाँ पर विशाल कन्या भोज का आयोजन भी रहेगा और साथ में गणगौर का पर्व भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के साथ इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि का पर्व गणगौर पर्व के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज प्रतिपदा से नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। आज से मंडलों का विधि विधान से आवाहन स्थापन पूजन इत्यादि होगा और उसके पश्चात हवन प्रारंभ हो जाएगा। ये हवन पूजन और देवी पाठ यह 9 दिनों तक चलता रहेगा क्रम। इसी प्रकार आखिरी में महायज्ञ और पूर्णाहुति का आयोजन रामनवमी के दिन रखा जाएगा और उसी दिन विशाल कन्या भोज का आयोजन भी रखा जाएगा। माता जी के चमत्कारों के बारे में आप क्या बताना चाहें। यहाँ पर माता जी की महिमा की तो कोई माता जी की महिमा तक तो कोई पहचान अभी नहीं पा रहा है और ना उस तक पहुँच पा रहा है कि माता जी की महिमा कितनी विशाल है, माता जी का हृदय कितना बड़ा है। क्योंकि जब भी यहाँ जो कोई भी जिस कामना को लेकर के आता है उसकी किसी प्रकार की कामना हो माता जी शीघ्र पूर्ण करती है। अगर किसी को किसी प्रकार का रोग हो तो यहाँ पर वो प्रति मंगलवार अगर श्रद्धा भक्ति से वो स्नान करता है तो उसको उस रोग का उसका उपचार हो जाता है। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है और अगर वह माता जी के यहाँ आकर के श्रद्धा भक्ति भाव से और सच्चे मन से माँ भगवती से अगर संतान की कामना करता है तो हमने 22 वर्ष के पश्चात भी लोगों के यहाँ संतान होते हुए देखी है जिन्होंने यहाँ कामना करी हुई है। और यहाँ की मुख्य विशेषता है कि हर मंदिर का प्रसाद अपने घर ले जाया जाता है लेकिन माताजी मंदिर लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर का प्रसाद बोराड़ नदी के उस पार कभी नहीं लिया जाया जाता है। जितना भी प्रसाद हो वो यहीं पर वितरण किया जाता है और यहीं पर उसको प्रसादी को वितरित किया जाता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए सेगांव से संजय जाय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।